जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। बिहार शरीफ में रक्त की कमी दूर करने के लिए विश्व रक्तदान दिवस पर अलमीर फाउंडेशन के द्वारा थैलीसीमिया के मरीजों के लिए नालंदा ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शेखपुरा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सुरुषी तनुजा पाठक ने फीता काट कर किया। इस दौरान तनुजा पाठक ने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए युवाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य जनों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। फाउंडेशन की ओर से शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने भरपूर उत्साह दिखाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 6 मिनट में एक मरीज की मौत खून की कमी से होती है। ऐसे में खून की कमी से किसी की जिंदगी का सफर खत्म ना होने पाए, इसके लिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इसके लिए अलमीर फाउंडेशन की ओर से भी अनूठी पहल की गई है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मौजूद फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद मासूक ने अपील की है कि विश्व रक्तदान दिवस पर अधिक से अधिक युवा रक्तदान के लिए आगे आएं, ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के साथ ही गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। रक्तदान को लेकर समाज में तमाम भ्रांतियाँ हैं, इन भ्रांतियों को दरकिनार कर युवा पीढ़ी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर माशूक आलम, सद्दाम हुसैन, मुनाजिर हसन, अफजल खान, यूसुफ मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ इकबाल, मोहम्मद बबलू, साकिब फिरोज, उमर फारूक, काशिफ तैयब के अलावे कई लोग मौजूद थे। बताएं क्या हो गया मैडम? आज रक्त दान दिवस है, तो इस अवसर पे अलमीर फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और अब सब जानते हैं कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसके अभाव में कितने ही लोग जो है वो जान से चले जाते हैं। लोग दुर्घटना में या किसी बीमारी में खून की कमी से लोगों की मौत हो जाती है, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छा कदम है इस तरह कैंप लगा के लोगों को प्रेरित करना रक्तदान के लिए। और लोगों को भी चाहिए कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग रक्तदान ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सके। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम तनुजा पाठक है। इसके मौके पर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसमें अलमीर फाउंडेशन बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, जो सोसाइटी में लोग को जागरूक कर रही है कि रक्तदान जरूरत पड़ने पर देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, और दूसरे के लिए नहीं, अपने परिवार एवं अपने चाहने वाले के लिए जब जरूरत पड़े तो जो लोग सक्षम हैं वो ब्लड देने के लिए आगे आएँ। आज आप लोग ब्लड बैंक में दान कर रहे हैं, इससे ब्लड बैंक को ब्लड एक्सचेंज करके देने में सुविधा मिलेगी, ये फ़ायदा होगा। और हम जो देने वाले के लिए मेरा जो मैसेज है कि ब्लड देने से उनको फ़ायदा क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, घाटा उनको कुछ नहीं होगा। जो ब्लड देने के लिए यूज है उनको किसी भी तरह की नुकसान नहीं होगी। हाँ, देने से एक आदमी संतुष्टि मिलेगी और वो एक सोसाइटी का पार्ट बनेंगे कि जाकर के हमको सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएंगे कि जब जरूरत पड़े आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वाले के लिए, तो आकर के ब्लड दें। इस तरह से अगर बहुत लोग जागरूक हो जाएंगे तो किसी को भी ब्लड की कमी के चलते इलाज में प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। क्या नाम है सर? डॉक्टर अजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा ब्लड बैंक। आज अलमीर फाउंडेशन के मेंबरों की तरफ से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे अलमीर के जितने मेंबर हैं वो ब्लड डोनेट करेंगे आज वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे के दिन, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को हर 20 दिन 25 दिन 1 महीना के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनके फैमिली के लिए ये काफ़ी कठिन एक स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको हर महीने ब्लड नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हम लोगों ने अपने सारे मेंबर को ब्लड डोनेट करवा रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी शहर में थैलेसीमिया पीड़ित लोग हैं। जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।